तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। यार मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए 150 से भी कम सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके गोल पूरा करवा दो। एंड अपनी आज की वीडियो को बंद कर लेते हैं स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, फिर अपना कोई ओपिनियन बनाना। तो सबसे पहले मैं बात करने वाले गॉडलाइक के मैटर के बारे में। तो कल एक चीज़ हुई थी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉन्टन ने कल आके एक स्टेटमेंट दिया था अपनी लाइव स्ट्रीम पे रिगार्डिंग कॉन्टेंट क्रिएशन, PR एंड ट्रॉफीज वगैरह। एंड इसी को जो लेट्स गो स्पोर्ट्स है उन्होंने ट्वीट के फॉर्म में बताया था। एंड अगर आपको पता होगा, अगर आप लेट्स गो स्पोर्ट्स को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो भी मतलब कोई बंदा लाइव स्ट्रीम पे आके कुछ बोलता है या इन्फॉर्मेशन देता है तो लेट्स गो स्पोर्ट्स को ट्वीट के फॉर्म में यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो वही उन्होंने क्रॉन्टन के स्टेटमेंट को भी किया था। एंड इसी के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई। क्रॉन्टन का कहना था कि जो मैंने बोला वहाँ पर पोस्ट नहीं किया गया। एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, तो आपको मैं बताया था कि चीज़ें हुई क्या। एंड जितना मैं मेरे साइड से क्लियर कर सकता हूँ उतना क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले पूरी चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई थी जो कि थी क्रॉन्टन की स्टेटमेंट से। तो जो क्रॉन्टन का एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, वर्ड टू वर्ड क्लिप थी, वो आप देख लो। टचवुड, व्यूअरशिप में अपन टॉप पे है, ब्रांड्स में भी अभी अपन टॉप पे है, और जो PR वाला सेक्शन रहता है, ये ट्रॉफी वगैरह, वो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कभी वो उस चीज़ों पे फोकस भी नहीं करेंगे ज़्यादा। हम मेन अभी हमारा मेन मेजर फोकस रहने वाला है कंटेंट में, तो अभी कंटेंट पे फोकस करेंगे। बहुत लोग बोल रहे थे यूट्यूब। एंड फिर जो लेट्स गो स्पोर्ट्स ने इसके रिगार्डिंग ट्वीट करा था वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अब आप मैच करो कि जो लेट्स गो स्पोर्ट्स ने उन्होंने सही वे में पोस्ट किया था या फिर नहीं जो क्रॉन्टन ने कहा था। एंड इसके बाद चीज़ें ये हुई कि जो गॉडलाइक का मैनेजमेंट था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनका ऐसा कहना था कि कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे जो बिल्कुल भी मतलब क्लैरिफाई करते नहीं या फिर वापस चेक करते नहीं, कुछ भी डालते रहते, जिसके वजह से फिर मैनेजमेंट को बाद में दिक्कत होती है। एंड एडमिनो भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब वहाँ पर क्रॉन्टन आए थे, उन्होंने बताया था कि वो जो ट्रॉफीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो कॉन्टेंट क्रिएशन की ट्रॉफीज़ थी, वो ई-स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज नहीं थी। ई-स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज हमेशा से उनका कंसंट्रेशन रहा है, उनका ध्यान रहा है, उनका गोल रहा है। एंड इसके बाद जो हेडीज वो भी इस चीज़ के रिगार्डिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस भेजे थे जो भी आपको बता देता हूँ। उनका बेसिकली यहाँ पर ऐसा कहना था कि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से डाइवर्ट मत हो, ई स्पोर्ट्स हमारा स्टार्टिंग से ही पहला कॉन्सेंट्रेशन रहा है, हमारा पहला गोल रहा है। एंड आप देख भी सकते हो कि हम अलग अलग ई स्पोर्ट्स टाइटल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कम्पीट कर रहे हैं। क्रॉन्टन का कहना यहाँ पर यह था कि हमको PR की जरूरत नहीं है, फिर पब्लिकेशन अवार्ड से ट्रॉफीज की जरूरत नहीं है कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए या स्पॉन्सरशिप के लिए। गॉडलाइक अपने आप में ही एक PR है। एंड उन्होंने आगे ये लिखा कि आप देख सकते हो कि अलग अलग ऑर्ग्स या अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हम पे बैंटर करते हैं या हमसे कंटेंट मिल्क करते हैं। एंड यही क्रॉन्टन का यहाँ पर कहना था, तो प्लीज़ यहाँ पर चिल करो एंड गॉडलाइक के सक्सेस को एंजॉय करो। एंड आगे उन्होंने फैन से ये रिक्वेस्ट करी कि वो ऐसे पेजेस या ऐसे पब्लिक फिगर से दूर रहो जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, मतलब बिना चेक करे या बिना किसी वेरिफिकेशन के, वो मतलब जीरो क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हैं ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए। ये बेसिकली उनका पूरा यहाँ पर रिप्लाई था। तो बेसिकली यहाँ पर यही पूरा मैटर में देखने को मिला लेट्स गो स्पोर्ट्स एंड गॉडलाइक के बीच में। एंड इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं अपन बात करने वाले एस्पावर के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि मोगो के जो BMPS के स्टार्टिंग के 6 मैचेस है वो अब खत्म हो चुके हैं। एंड इसके बाद जब एस्पावर लाइव आए थे तो बात करते परफॉर्मेंस के बारे में, एंड क्या वो ओवर एग्रेशन दिखा रहे थे क्या इसके बारे में, तो उनका जो रिप्लाई था वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजा आएगा फिर कल के भी मैचेस देखना। भाई आप ओवर एग्रेस कर रहे थे, आप बहुत ओवर एग्रेस कर रहे थे। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो प्लेयर ओवर एग्रेसिव होता है वो फियरलेस होता है, और वो ओवर एग्रेशन से वो कभी कभी लाइबिलिटी बन जाता है और कभी कभी अच्छा बेनिफिट दिलाता है। अब वो चीज़ में मेरे को न्यूट्रल करना है, बाकी सब सही है। कोई ना, उलट पुलट चलता रहता है। हम मनुष्य जीवन है गाइस, मनुष्य जीवन है हमारा, ये सब होते रहता है। एंड अपन बात करते हैं टीम जी के बारे में। तो वैक्सी जब लाइव आए थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी टीम जी की, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों आया। तो इस पे भी उन्होंने रिप्लाई करा था, तो उनका जो रिप्लाई था वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया? भाई देखो, सारी चीज़ें हमेशा तुम्हारे फेवर में नहीं वर्क करती है जैसा तुम चाहो, और आफ्टर ऑल हम लोग भी ह्यूमंस हैं, है ना? हम रोबोट तो है नहीं कि मतलब ऐसे का ऐसा खेल के दिखा देंगे। तो कर रहे यार प्रैक्टिस, अपनी गलतियां सुधार रहे, जो भी करी है दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, है ना? वर्क ऑन आवर मिस्टेक्स। वैक्सी भाई बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू। जोकर को बुलाओ, जोकर तो सो रहा होगा भाई अभी।
एंड अपन अब बात करते हैं ओमेगा के बारे में। तो ओमेगा एंड ओशन के ऊपर हमें एक पॉडकास्ट देखने को मिला है एंड वहीं पर ओमेगा से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीजी के साथ एंड बीजीएमएस के अंदर क्या चीज़ें हुई थी। तो ओमेगा ने एक फाइनल रिप्लाई दिया था सीजी के बारे में एंड बीजीएमएस में क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में। तो उनका जो पूरा रिप्लाई था वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Do you think there were some times जब आपको लग रहा था कि नहीं आप उससे बढ़िया कर सकते थे अगर आप उस समय IGL के उस पर बैठे होते? यार देखो मैं एक सिंपल सा वो है, देखो ना मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टर मां खराब खेला है कुछ, या टीम ने अपना 100% दिया, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आते कई कई बार, बट ऐसा था कि BGMS से पहले ऐसा था कि बहुत टाइम से चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत ज्यादा टाइम और ट्रस्ट एक दूसरे को दिया जा रहा था, और ऐसा था कि बहुत टाइम से वो एक बेल और बेल रिंग करते हुए गट फीलिंग होती है कि नहीं यार आई थिंक अभी थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, पर मेरा ऐसा है कि वो दिल मान नहीं रहा था बहुत टाइम से, ठीक है, बट फिर यहाँ पे सिचुएशन और कंडीशन ऐसी मैच की कि अक्षत का ब्रेक लेना तो अक्षत का ब्रेक लेना, तो अक्षत की जगह हमने एस पावर को ले गया, फिर कोच वाला सीन था, तो एक ऐसा होता है ना कि कैसे समझाऊं मैं कि अगर फिर ऐसा लगेगा कि मैं तेरे बारे में बुरा सोचता हूँ, तो चाहे मेरा थॉट तेरे लिए कितना भी अच्छा हो तेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि चाहे मेरे को अच्छी चीज बता दो कि यहाँ से मत जाए यहाँ पे खड्डा है, फिर ऐसा लगेगा अरे पागल बना रही है। तो मेरे को सेम चीज चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए चीज सेम ही है, बट ऐसा था कि इसके बताने का डिफरेंस हो रहा है, इसके बताने की बात ऐसे सुन रहे हैं लोग, इसकी ऐसे सुन रहे हैं, तो उसके बाद कोच भी चेंज किया इसको लेके। अब ऐसा था कि ऐसा जैसा मेरे को चाहिए था ना वैसा था कि ऐसा कि टीम की गनपावर भी वापस से स्ट्रांग हो गई है, टीम के अंदर ऐसा जिसके दिमाग में थोड़ा ये था कि इसकी वजह से ये हो रहा है इसकी वजह से ये हो रहा है वो सारी चीज भी थी, तो BGMS वाला ऐसा दिन था कि मेरे को लग रहा था कि बहुत ताबड़ तोड़ जाने वाला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वो डिसीजन ले किया फिर वो वाला सीन किया, बट फिर ऐसा था कि एंड वाले डे पे जिस दिन ऐसा कि BGMS अभी जा रहा है कि कल जाना है BGMS, तो उसके पिछले वाले दिन पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा है कि आपस में समझ लो पीछे पीछे बात हो रही है और वो सारी चीज, और फिर पता चला कि ये डिसीजन ऐसा निकल गया, बट फिर भी सामने वो कन्फ्रंटेशन और वो सारी चीज थी नहीं, तो मेरे को थोड़ी चीज ऐसी लगी ठीक है कि ये वाला इवेंट वाला सीन है तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, खेलना तो था मेरे को बहुत ज्यादा वो था मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसा था कि इस बार तो जैसा खिलाना वैसा होगा ऐसा नहीं हुआ, फिर ठीक है, फिर BMPS पे था, बट फिर BMPS पे भी ऐसा एंड वाले बिल्कुल एंड वाले डे पे ही हुआ वो भी, कि एंड वाले डे पे पता चला कि ये सीन ऐसा ऐसा है, तो बस हो गया वो वाला, बट हाँ और अच्छा कर सकती थी वो टीम, आई थिंक वो टीम बहुत अच्छा कर सकती, सिचुएशन ने साथ नहीं दिया उनके लास्ट के मैचेस, वो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है क्या, बट हाँ। एंड अपन बात करते हैं वैलोरेंट के बारे में, तो वैलोरेंट के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि जो VCT है वो अब खत्म होने आया है, अब सिर्फ 3 टीमें बची हुई है चैंपियनशिप की रेस में। आपको बताते हो कल 2 मैचेस थे, पहला था EDG और लेवेथन के बीच में, एंड इसको जो जीतता वो डायरेक्टली फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होने वाला था, एंड इसको EDG ने जीत लिया, एंड सेकेंड मैच था हेरिटिक्स और सेंटियंस के बीच में, ये एक एलिमिनेटर मैच था, मतलब जो हारता वो डायरेक्ट बाहर होता है, जो जीतता वो लेवेथन के साथ खेलने वाला था फाइनल के स्पॉट के लिए, एंड मैंने आपको बताया पहले भी कि सेंटियंस मेरी फेवरेट टीम थी, अनफॉर्चुनेटली सेंटिनल्स यहाँ पर बाहर हो चुकी है, तो आज हमें एक मैच देखने को मिलेगा जो कि हेरिटिक्स के बीच में एंड लेवेथन के बीच में, एंड इसको जो जीतेगा वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा एंड EDG के साथ खेलेगा फाइनल्स। तो अब आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप कमेंट करके बताना। एंड अपना बात करते हैं गॉडलाइक के बारे में, तो क्रॉन्टन जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब लोग उनको बार बार गॉडलाइक के फैंस के बारे में बोल रहे थे, फिर उनको ऐसा बोला गया कि स्पेस में मैटर हुआ था उस पर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, एंड क्या जो बंदा मतलब इन्वॉल्व था इस पूरे ट्विटर स्पेस के ऊपर जो कि था फक हेटर नाम का, उससे आपकी बात होती रहती क्या? तो क्रॉन्टन इस पूरी चीज़ का रिप्लाई करा था, एंड उन्होंने एक सेशन भी दिया था सामने वाली पार्टी को, उनके से कहा था कि सामने वाली पार्टी को मैं सेशन देता हूँ, एंड मोस्टली अपर वो सोल एंड एसिटिवल के उन्होंने बात कर रहे थे, तो उनका जो पूरा रिप्लाई था वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सपोर्ट में कुछ क्यों नहीं बोलते, इसमें लड़ाई हुई थी और ये नेम का बंदा जाने का बहुत हेट देता है, उसको एक रपट लगा देंगे अपन, रुक जा उस जो भी हेट देता है अपने को। और देखो यार गाइस उसके केस में मैंने तो बोला अगर वो गॉडल फैन है गॉडलाइक को लेकर अगर पॉजिटिव चीज़ें बोलता है पॉजिटिव चीज़ें को लेकर वो ट्वीट करता है तो वेल एंड गुड, ऑब्वियसली ऐसे जो फैन सपोर्टर्स हैं उनको ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा, बट अगर उसके अलावा अगर कुछ लेफ्ट राइट चीज़ें उसने करी है आई डोंट नो, क्योंकि मैं ट्विटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अगर करी होगी तो देन उस वैसे चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता सीधी बात, बट हाँ मतलब जितना मैंने सुना है जितना आप लोग बोलते हो तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि कुछ किया है उसने, और अगर किया रहेगा तो अपोजिट और जो भी है प्लीज़ एक्शन ले लो उसके अगेंस्ट में इफ़ यू थिंक ही इज़ रॉन्ग।
क्योंकि अरे मैं ना गाइस मैं सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, मेरे को मतलब ये ट्विटर ये सब कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह, अपना काम और अपन और अपने रियल फैंस, दैट्स इट। क्या आपकी उससे बात होती है? क्योंकि वो स्पेस पे बोलता है कि उससे मैनेजमेंट से बात होता है, ये सच है या ये बंदा झूठ बोल रहा है? बात तो नहीं होती, मतलब मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं होती, मैंने कभी बात नहीं करी है। बट हाँ रिसेंटली जब उसका एक दो बार आई थिंक अमर से बात हुआ था, जब उसने गॉडलाइक मतलब वो देखो गाइस जितना अमर से मैंने पूछा वो बंदा ऐसा है कि गॉडलाइक का भी अगर कुछ जैसे टीम को लेकर कुछ परफॉर्मेंस डाउन होती है या कुछ होता है तो गॉडलाइक के प्लेयर्स को भी बहुत हेट देता है। मतलब जैसे जेली को हेट दिया था, मेरे को, अमर को, तो अमर ने एक बार ऐसी बात करी थी क्यों भाई क्यों हेट देता है, तो मतलब उसका ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, बात होती है ऐसा कुछ। ऑब्वियसली गाइस गलत चीज़ों के अगेंस्ट तो हम भी है, बट हाँ जब उसने हमें हेट दिया था तो अमर का बात हुआ था, वो भी मुझे जब किसी से मैंने बात करी तब पता चला था कि लाइक क्यों गॉड लाइक अगेंस्ट में हेट फैला रहा है एंड ऑल। इवन तो अभी रिसेंटली जब हुआ था ना तब भी मैंने अमर को बोला था, उससे बात करके एक बार कंफर्म कर ली कि भाई ये क्यों सारी चीज़ें कर रहा है, तो लाइक उसने बोला था मैं ऐसा कुछ निगेटिव नहीं करता ये वो। तो गाइस देखो हमने समझाने का काम किया, वो नहीं समझा तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर समझ गया होगा तो मैं भी फ्यूचर में नहीं कुछ करेगा। तो उसने यही बोला कि सामने वाले और को बस इतना बोलता, अगर उनको लग रहा है कि वो रॉन्ग कर रहा है कुछ गलत कर रहा है तो लाइक लीगल एक्शन ले लो, एंड वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है वो। अब कौन देखेगा इतना ट्विटर खोल के गाइस, हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट। अपन क्रॉन्टन के बारे में बात चली रही है तो वो बात कर रहे थे गॉडलाइक के नए स्पॉन्सर के बारे में एंड जो नई नई अनाउंसमेंट्स आने वाली गॉडलाइक की उसके बारे में, तो उस पर उनका रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। गॉडलाइक स्पॉन्सर, अरे यार अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, विदाउट बेटिंग अपन सारे ब्रांड्स लेके आएंगे, सारे टीयर वन ब्रांड्स। ये तो कुछ नहीं गाइज, अभी तो लास्ट वन मंथ में आपने देखा होगा कितना सारा अनाउंसमेंट हुआ है, अभी थोड़ा और वन मंथ रुक जाओ फिर मज़ा आएगा आपको। हाँ बेटिंग नहीं गाइज, बेटिंग नहीं, क्योंकि बेटिंग आपको पता है ना यार, देखो गॉडलाइक में एक दो लोग करते थे पहले, उनको भी सिस्टम मैंने मतलब दिमाग वाला सिस्टम ठीक कर दिया तो उन्होंने भी बंद कर दिया। अपने पास बाकी ब्रांड्स ही इतने हैं कि अपने को जरूरत नहीं बैटिंग, और करेंगे भी नहीं गाइस जरूरत पड़ी तो भी। एंड बस अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं, पर खत्म, वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते अपनी अगली वीडियो में।